तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैं अपनी वीडियो के अंदर झूठ बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, जो बताऊंगा सच बताऊंगा। तो दोस्तों आज मेरे पास एक पुराना मोबाइल कवर है जो दोस्तों देख सकते हो कितना पीला है। तो दोस्तों आज मैं आपको क्या करूंगा, ये मोबाइल कवर है ये तेजाब से साफ कर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों क्या करूंगा, इसको तेजाब के अंदर डालूंगा और दोस्तों उसके बाद में हम देखेंगे कि दोस्तों जो इसके ऊपर ये पीलापन जम जाता है, ये पीला पन वापस उतरेगा, ये हमारा जो कवर है ये फिर से नया होगा या दोस्तों नहीं होगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों हम क्या करने वाले, तेजाब से जो मोबाइल कवर है वो साफ करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें पहले ने हाथों के अंदर सेफ्टी ग्लव्स। तो गाइज मैंने पहन ली है सेफ्टी ग्लव्स हाथों के लिए, हमारे हाथों की सेफ्टी रह सके इसके लिए। और अब हम क्या करते हैं, इस कवर को रखते हैं एक बार साइड के अंदर और दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर तेजाब डालते हैं। तो दोस्तों इस बोतल के अंदर है मेरे पास तेजाब, मैंने इसके कैप को हटा लिया और दोस्तों अब क्या करते हैं, इसके अंदर तेजाब डालते हैं। तो दोस्तों इतना तेज़ाब काफ़ी होगा और दोस्तों इस तेज़ाब के अंदर से धुआं भी उठने लगी है, शायद आपको नहीं दिख रही होगी। तो दोस्तों अब आपके सामने ये कवर है, आप देख सकते हो, अभी दोस्तों आप देख सकते हो ये कितना पीला है, ये दोस्तों अभी आपके सामने। तो अब हम क्या करते हैं, इस कवर को इस तेज़ाब के अंदर डाल देते हैं। तो दोस्तों मैंने इस कवर को तेज़ाब के अंदर डाल दिया है और दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये दोस्तों तेज़ाब है ये कितना ख़तरनाक है। ये एक मेरे पास पुराना स्क्रू है, आप देख सकते हो इसके काफ़ी ज़्यादा जंक भी लगा हुआ है। तो इसको इसके अंदर आप अभी देख सकते हो दोस्तों पूरे पर जंक लगा हुआ है। अब मैं करता हूँ इससे इस तेज़ाब के अंदर डालता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो तेज़ाब के अंदर स्क्रू डालने पर थोड़ा रिएक्शन हो रहा है, थोड़े बहुत इसके अंदर से बुलबुले उठने लग गए हैं। तो दोस्तों अब आप इस स्क्रू को देख सकते हो, अभी मैंने आपके सामने इस स्क्रू को तेज़ाब के अंदर डाला है और इसके कितना जंग लगा हुआ था। और अब आप देख सकते हो यह यहाँ से जितना मैंने तेज़ाब के अंदर डाला था ये उतना आप देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, ये तेज़ाब के अंदर डालने पर देख सकते हो आगे से पूरा इसका जंक है वो हट चुका है, पूरा जंक है वो उतर चुका है स्क्रू से। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो ये तेज़ाब है ये हमारा कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो दोस्तों देख सकते हो ये स्क्रू का भी आपके सामने मैंने आपको बताया था इस स्क्रू पे कितना जंक लगा हुआ था। और इस तेज़ाब के अंदर डालने के बाद में तो जो दोस्तों इस स्क्रू का पूरा जंक है वो उतर चुका है। तो दोस्तों जो कंवर का जो पीलापन है ये क्या सच में उतरेगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों कुछ देर वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि जो हमारा तेज़ाब से जो मोबाइल कंवर है ये साफ होता है या नहीं होता। तो दोस्तों करीबन 10 मिनट हो चुके हैं मोबाइल कवर को तेज़ाब के अंदर डाले हुए हैं और दोस्तों अब हम इसे बाहर निकालेंगे, अच्छे पानी से धोएंगे और फिर देखेंगे कि जो दोस्तों ये मोबाइल कवर है ये कितना साफ हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको क्या करता हूँ, इसे बाहर निकाल कर बताता हूँ। तो दोस्तों अभी तो आपको क्या लग रहा है, जो ये मोबाइल कवर है ये साफ हुआ है या नहीं, एक बार मैं क्या करता हूँ साफ पानी से आपको धोकर फिर से बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ देख सकते हो, जो इस तेज़ाब का कलर था वो चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो कितना दोस्तों इस तेज़ाब का जो कलर है वो चेंज हो पूरा चेंज हो चुका है। इस कलर के हिसाब से देखें तो शायद दोस्तों इसका ये मोबाइल कवर है ये शायद साफ़ हो चुका है। मैं क्या करता हूँ इसे साफ पानी से एक बार आपको धोकर बताता हूँ। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो जो मोबाइल कवर है वो हमारा कितना साफ हुआ है। तो तेज़ाब से जो हमारा मोबाइल कवर है वो साफ नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों एक चीज़ है शायद आपको दिख रही होगी, यहाँ पर जितना मैंने इस तेज़ाब के अंदर डाला था इतनी यहाँ पर एक लकीर बन चुकी है, जो दोस्तों नीचे नीचे का जो तेज़ाब के अंदर डाला था यहाँ पर दोस्तों कुछ थोड़ा बहुत मुझे चेंजिंग लग रहा है, लेकिन दोस्तों साफ है वो हमारा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, कवर है वो बिल्कुल साफ नहीं हुआ है। अभी आपके सामने आप देख सकते हो जो ये कवर है वो कितना साफ हुआ है वो अभी आपके सामने। तो दोस्तों ये होता है जब हम तेज़ाब के अंदर मोबाइल कवर डालते हैं साफ करने के लिए। तो दोस्तों ये पीलापन है ये बिल्कुल भी नहीं उतरता है। तो
तो दोस्तों और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।